आ चुका है हमारा पार्सल, जिसकी थी हमें बेट। कहीं मैं बाहर जाता हूँ तो मेन दिक्कत मेरे को आती है वहाँ पे खाने पीने की, क्योंकि यार हर एक जगह रुके तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो जाता है जो कि बजट मेरा। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक परफेक्ट बजट में मैं ऐसा कुछ अरेंज करूँ ताकि मैं खाने के लिए खुद भी बना सकूँ। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विकी। हाय आर्यन, हाय। तो मैं यहाँ पे इसलिए रुका था, देख सकते हो आप यहाँ पे जो कि रिग बोलते हैं हम इसको, वो देख सकते हो सामने। पानी पीछे तो कम होगा छोड़ा हुआ ना। मेरे दोस्तों हम दूध लेके आ चुके हैं, तो देख सकते हो गेहूँ जो कि बीजी गई थी। मैं अपने रूम की कंडीशन तो बताना नहीं चाहता, बट ये देखिए अभी बताता हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ ना इसका ये मतलब फिर खोल के तो इस पर अटैच कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। काफ़ी मेहनत के बाद जो कि हमारा ट्राईपोड है वो हो चुका है रेडी। इसकी हालत भी देख सकते हो ये फट चुका है, इसका कोई इलाज करना पड़ेगा और इसको खाना पड़ेगा पूरा। हमारे दोस्तों देख सकते हो, तो इसको मेरे को खोने का मेन रीज़न यही था क्योंकि क्वालिटी भी आपको अच्छी नज़र आएगी, और दूसरी बात कि मतलब मेरे हाथ से काफ़ी दूर हो चुका है अभी, मतलब जो कि फ़ोन है तो आपको क्वालिटी पूरी अच्छी आएगी। पहले मेन दिक्कत आती थी मेरे को कि फ़ोन मतलब पकड़ना पड़ता था हाथ से, और जो इसका मेन कैमरा है वो मेरा मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लोज होता था तो आपको बैकग्राउंड कुछ भी नहीं दिखना दिखता था। तो अभी आप खुद ही देख सकते हो, हिसाब लगा सकते हो कि मैं अभी आपको ऐसे भी कुछ बताना चाहूँ तो आराम से आप देख सकते हो पीछे सब कुछ है ना। तो अब मज़ा आएगा ब्लॉगिंग करने का। मेरे दोस्तों अभी आप देख सकते हो पोचा वगैरह लग चुका है और यहाँ पे मैंने अभी खाना खाया है। आज से काफ़ी टाइम पहले वैक्सीन लगवाई थी, उसके बाद जो सेकंड वैक्सीन मतलब वैक्सीनेशन मेरी हो रही थी वो मेरी मिस हो गई थी। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज वैक्सीनेशन ही लगवा ले, तो चलो बिना देरी के देखते हैं। बहुत ज़्यादा देरी के बाद तो काफ़ी टाइम वेट करवाया इसने, तो चलो फिर निकलते हैं। तो मैं तो पूरा तैयार था वैक्सीनेशन करवाने के लिए, बड़ी बोल रहे हैं कि जो मेरी वो कोविड-19 की ऐप है वहाँ पर शो ही नहीं कर रहा है कि फर्स्ट डोज लगी है कि नहीं। तो फाइनली मेरे को अभी जाना पड़ेगा अम्ब जो कि रामस्वामी सत्संग सेंटर है, वहाँ पे मैंने फर्स्ट वैक्सीनेशन अपना करवाया था। तो चलो देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। तो अभी मन नहीं कर रहा अम्ब जाने का, तो चलो देखते हैं। बाकी पीछे का व्यू देख सकते हो, आपको आवाज़ साफ नहीं आ रही हो तो मेरे थोड़ा मैनेज कर लेना। फिलहाल देख सकते हो जो कि ये है 5th क्लास तक जो कि प्राइमरी स्कूल है। अभी मैं पहुंच चुका हूं घर, तो यार मैं अपना जो कि पर्सनल लाइफ है और जैसे मेरे घर हैं तो मैं जहां कब लोग खुद ही नहीं बनाता हूं, क्योंकि यार हम अभी इतने बड़े सेलिब्रिटी तो नहीं है। फिलहाल आज मौका लगा है घर में रहने का, तो मैं आपको कुछ अच्छा ही बताने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल अभी मैं घर से निकल चुका हूँ, तो वैसे भी मैंने काफ़ी टाइम के बाद अपने घर में ब्लॉग बनाया है, तो अभी मैं जा रहा हूँ विक्की के साथ कि हम गांव में जा रहे हैं, तो आपको पूरा अच्छे से ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मैं आपको बार बार अपनी वीडियोज़ में बोलता हूँ जो कि हिमाचल हम यहाँ से हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपको दिख रहा होगा पूरा खुला खुला मैदान टाइप। विक्की चल फिर, कई कई एरिए ऐसे है तो बहुत ही अच्छा लगता है कि नहीं यार हिमाचल में भी थोड़ा प्लेन प्लेन एरिए जहाँ पे आपको दिखने को मिलता है। तो दोस्तों ये आंगनबाड़ी है और ये पंचायत है। मैंने दोस्तों ये छोटा सा ट्यूबलू चला हुआ है इस टाइम जो कि पंचायत का है। दोस्तों ये यहाँ पे हॉस्पिटल था पहले, तो अभी ये यहाँ से जाके अपन दोनों में जा चुका है जो कि जैसे आपके डॉग्स हो तो आपके एनिमल जोन, तो डॉक्टर वो अब समझ गए होंगे कि कौन सा हॉस्पिटल है। तो फाइनली दोस्तों आज मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि यार मेरा जो सेटअप है वो आ रहा है जो कि कुकिंग का सेटअप है। यार काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि अपना सेटअप बनाऊँ, और धीरे धीरे मैं सोच रहा हूँ कि टेंट भी रखूँगा, और जैसे यार कैंपिंग करने कहीं चले जाएँ तो यार रहने के लिए दिक्कत काफ़ी ज़्यादा मेरे को आती है जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हो अभी जो कि चढ़ाई आ चुकी है, भाई दोस्तों कुलचे वाला आ चुका है देख सकते हो। अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं जो कि हमारा गांव है, तो ऐसा कुछ हमारा गांव है। तो पहले जो हमारे घर होते थे तो वो ऊपर होते थे, तो वहाँ पे मंदिर है। तो चलो आज आपको पूरा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ अपना गांव, तो चलो बने रहो हमारे साथ। तो बाकी यहाँ पे भाई मिले हैं जो कि भाई हाय कर दो एक बार। तो ये काफ़ी फेमस कुलचे वाले हैं, जो हम जब छोटे होते थे तब से इनके कुलचे वगैरह काफ़ी खाते थे। हाय कैसे हो, क्या नेम है आपका? हिमांशु,
तो इतनी चढ़ाई चढ़ के अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो आपको ये भी बताऊँगा कि हमारे पुराने घर कहाँ पे थे। आप कब वहाँ पे आ गए थे नीचे? 4 साल पहले। दोस्तों जो बिक्की का पुराना घर है वो भी आपको बताता हूँ। तो जो कि हिमाचल में आपको अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, कहीं ऊँचाई कहीं मतलब नीचा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही पर्सनल अच्छी लगती है। और जो कि बिक्की का घर है वो ये देख सकते हो यार। बाकी आपको अंदर से पूरा विजिट करवाने की कोशिश करूँगा। तो फाइनली दोस्तों ये चीज़ देख सकते हो, वाह यार, यहाँ पे दिल आके रुक जाता है। जो ये हिमाचल की नेचुरल ब्यूटी है, तो ये सबसे बड़ा राज है हिमाचल की ब्यूटी का, जो कि पुराने मिट्टी के घर और गर्मियों में बिल्कुल ठंडे रहते हैं अंदर से। तो ऐसा हिमाचल में आपको अक्सर देखने को मिलता होगा। हिमाचल की ब्यूटी इन घरों से ही ज़्यादातर बनती है। तो ये भी घर था एक, जो कि अभी दे चुका है और ढेर आए धीरे धीरे। दोस्तों जो बिक्की है तो यहाँ पे झाड़ू दे रहा था, पर ये बाहर आ गया, बोलता कि भाई साहब आप पहले वीडियो बना लो अंदर से आके। तो ये देख सकते हो इतनी ज्यादा ठंड लग रही है। मैं बोल रहा हूँ कि जो कि मैं डर गया, मैंने सोचा नीचे कुछ आ गया, पर ये झाड़ू था। तो यार जो कि अंदर आया तो मेरे को एकदम ठंड ठंड महसूस हो रही है। तो ये है यार पहाड़ी, और जो कि कच्चे घर होते हैं तो इतने अच्छे होते हैं। तो यार यहाँ पे ठंड 7 या 8 बजे मौसम हो जाता है इस टाइम, जो कि लोकल है वो समझ रहे होंगे मेरी बात। तो वैसा इस टाइम यहाँ पे भील आ रहा है, मतलब ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। तो ऊपर देख सकते हो किस तरह से मतलब बनाया गया है। पहले दोस्तों देख सकते हो जो कि दहाजा था तो यहाँ पे था, जो आपने देखा है वीडियो में। अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आके दहाजे वाला वीडियो देख लो जो यहाँ का आया है। दोस्तों ये देखो, ये है नेचुरलिटी पुराने टाइम की, रसोई घर जिसको बोल सकते हो, देख सकते हो। दोस्तों ये आप देख सकते हो जो कि सिली है, बर्तन धोने के लिए होती थी। तो ऐसे यहाँ पे पानी की बाल्टियाँ रख लेते हैं, और यहाँ पे मतलब ये अभी भी यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो ये नहीं मैं बोल सकता कि बहुत पुरानी बात है। अगर आपको गौर से दिख रहा होगा तो वो देख सकते हो, वो नींबू लगे हुए हैं, देख सकते हो यार, वो दिख रहे होंगे आपको। देख सकते हो जो कि बाबा सिंचनो जी का मंदिर है, तो यहाँ पे कैमरे लगे हैं। तो आई थिंक बननी मतलब यहाँ पे बोलते कि बहुत ज़्यादा जरूरी थे कैमरे लगवाने, तो देख सकते हो कैमरे लग रहे हैं यहाँ पे। पुराने घर होते थे वो यहाँ पे होते थे, देख सकते हो इतने में मतलब बोलते हैं उस टाइम मतलब 10 या 15 घर होते थे। तो इतने एरिया में देख लो कितने मतलब सभी रहते होते थे। तो यार यहाँ पे आई थिंक मतलब यहाँ पे कहीं हमारी भी मतलब जगह है, तो देख सकते हो इतने एरिया में इतने ज़्यादा मतलब उस टाइम रहते होते थे। तो यार देखो कितनी कठिनाइयाँ हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने देखी हुई हैं। तो मेरे को भी जाना पड़ेगा यार, पार्सल आया है मेरा घर, तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से। फाइनली दोस्तों मैं अभी घर में पहुँच चुका हूँ। तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये पहले हाथ तो आ रहे, ऐसे करो फटाफट ना कुछ लेकर आओ इसको काटने के लिए ना। हमने ऑर्डर किया था तो वो आपको बताते हैं कि एक्चुअली है क्या। तो आर्यन अभी अनबॉक्स करने जा रहा है इसको। ये ऊपर बता दो एक बार क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है? एस बिटवीन गैस कंजेस्टर पैक 4। तो फाइनली दोस्तों अभी निकलने आ रहा है, और ये देखिए चमचमाते हमारे जो कि गैस कैन है वो निकल रहे हैं। भाई इसको पूरा निकाल दो, सेट है पूरा ना, सीधा करो जरा। तो फाइनली दोस्तों ऐसा कुछ जो हमने ऑर्डर किया था वो ऐसा कुछ है। फाइनली दोस्तों ये देखिए हमारे चमचमाते जो कि गैस कैंस है वो आ चुके हैं। जो हमारा कैंपिंग सेटअप है उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। सामान जो कि हमने ऑर्डर किया है, परचेज किया है, वो धीरे धीरे आना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी एक और चीज़ आनी बाकी है जो कि कल आएगी, उसके बाद जो कि सामान आएगा वो धीरे धीरे आएगा। तो जैसे जैसे आएगा वो बाकी आपको बाद में अपडेट देते रहेंगे। पहले मैं इसके बारे में पूरा नॉलेज लूँगा, तो उसके बाद आपके सामने पूरा अच्छे से एक ब्लॉग बनाएंगे, जो कि कल भी एक चीज़ और आ रही है। तो उसके बाद बताऊंगा ये कैंपिंग में मेरे लिए क्या काम आएगा क्या नहीं, जिसके ऊपर मैं इसको लगाऊंगा ना, वो कल आने वाला है। तो आपको पूरा एक ब्लॉग अच्छे से बनाऊंगा। इसको मैं अभी फ़िलहाल अपने साथ बाम पे पीछे रख देता हूँ, जो कि हमारा स्टोर है एक पीछे घर से, क्योंकि यार इसकी जो सेफ्टी है वो काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादातर ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे ये सेफ रहे पूरे, तो कोई आग लगने का खतरा ना हो। तो चलो मेरे साथ। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये स्टोर है हमारा, तो जहाँ पे रखता हूँ मैं इसको, यहाँ पे कुछ भी आग लगने का खतरा नहीं है। तो फाइनली दोस्तों ये हमारे गैस कैन है वो अंदर ऐड हो चुके हैं। तो फिलहाल इस टाइम तक हमने ये वाला ब्लॉग यहाँ तक बनाया है। तो अगर आपको ये वाला ब्लॉग आज का हमारा अच्छा लगा हो, हमारा मतलब
तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्यारे ब्लॉग के साथ।